हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर बुक का यूनिट 5A। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है यूनिट 5A का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स। चैप्टर का नाम है हाउ सोशल मीडिया इंडेंजर्स नॉलेज। ठीक है, इंडेंजर्स का मतलब होता है पुट इन अ डेंजर। ठीक है, किसी को जोखिम में डालना। तो ठीक है, तो चैप्टर का मतलब है कि सोशल मीडिया कैसे नॉलेज को जोखिम में डाल रहा है, किस तरह जोखिम में डाल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है अबाउट द ऑर्थर। तो फर्स्ट में हम ऑर्थर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके ऑर्थर का नाम है हौसिन दिरेक्शन वॉज। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था इसके बारे में देखते हैं। हौसिन दिरेक्शन वॉज बॉर्न इन 1975। ये 1975 में पैदा हुए। ठीक है, ही इज़ एन ईरानियन कैनेडियन मीडिया पर्सनालिटी। ठीक है, ये ईरानियन कैनेडियन मीडिया पर्सनालिटी थे, मतलब कि ये ईरान में भी वर्क कर चुके थे और कैनेडा में भी वर्क कर चुके थे। कैसे? मीडिया में। ही स्टडीड सोशोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो। ठीक है, इन्होंने सोशोलॉजी की स्टडी करी थी दो यूनिवर्सिटी से, तेहरान एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो। दो यूनिवर्सिटी से इन्होंने सोशोलॉजी की स्टडी करी थी। देन ही वॉन्ट टू डू एम ए इन फिल्म एंड मीडिया स्टडीज फ्रॉम SOAS। ठीक है, तो वो चाहते थे कि वो फिल्म एंड मीडिया की स्टडी करें। कहाँ से? SOAS, ये एक तरह की यूनिवर्सिटी का नाम है, SOAS। ठीक है, तो वो यहाँ से मीडिया की स्टडी करना चाहते थे। देन ही स्टार्टेड हीज करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड हीज एरिया ऑफ इंटरेस्ट वॉज द इंटरनेट एंड द एमर्जिंग डिटेल कल्चर। ठीक है, तो वो उन्होंने अपना करियर कैसे शुरू करा? उन्होंने अपना करियर शुरू करा एज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, उन्होंने जर्नलिस्ट में अपना करियर शुरू करा एंड उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या था? उन्हें इंटरेस्ट था इंटरनेट के बारे में जानने में और इमर्जिंग डिजिटल कल्चर। ठीक है, इमर्जिंग डिजिटल कल्चर, डिजिटल जो कल्चर है वर्तमान में या फिर प्रेजेंट में, उसके ऊपर उन्हें रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता था। उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वही था। ठीक है, देन सम काइंड ऑफ हीज ब्लॉग बिटवीन ईरान एंड इज़राइल मेड हिम सस्पेक्ट इन द आइज ऑफ ईरान रूलर्स। ठीक है, तो उन्होंने कुछ तरह के ब्लॉग्स लिखे थे। ठीक है, ब्लॉग्स लिखे थे, मतलब कि कुछ तरह के पैराग्राफ एसेस लिखे थे, जो कि उन्हें किस किस दो देशों के बीच, ईरान और इज़राइल के बीच में लिखे थे। ठीक है, तो इस ब्लॉग ने क्या करा? उन्हें सस्पेक्ट बना दिया, दोषी बना दिया। किनकी आँखों के सामने? आइज ऑफ ईरान रूलर्स, ईरान के जो रूलर्स हैं उनकी आंखों के सामने इन्हें दोषी बना दिया। ठीक है, कि ये कुछ ज़्यादा ही वो करते हैं या फिर बुराई करते हैं इस तरह का, तो इसके ऊपर दोषी बना दिया था। ठीक है, देन अगला पॉइंट है ही वॉज अरेस्टेड विदाउट चार्जेस एट हीज होम टाउन इन तेहरान इन 2008। ठीक है, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया बिना किसी चार्जेस के इन हीज होम टाउन, उनके अपने होम टाउन से, इन तेहरान, तेहरान में जो उनका अपना होम टाउन था वहाँ से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया इन 2008 में उन्हें अरेस्ट कर लिया। ही वॉज फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन इन 2014 बाय सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। ठीक है, तो उनको रिलीज़ कर दिया गया 2014 में, किसके द्वारा? सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनके द्वारा उसे रिलीज़ कर दिया गया। द नेक्स्ट पॉइंट है ही रिलीज्ड दैट टाइम सोशल मीडिया हैड बिकम द डोमिनेंट मोड। ठीक है, तो जब वो रिलीज़ हुए तब तक सोशल मीडिया डोमिनेंट मोड में आ चुका था, मतलब कि उसने वो सब पे हावी हो चुका था। ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्रिमिनेशन ही सॉ देम एज अ थ्रेट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो जब तक वो, जब वो रिलीज़ हुए तो उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया ने सबको अपने अंदर ले लिया, मतलब सोशल मीडिया सब पे हावी हो चुका था, सबको, सब लोग सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने वो सोशल मीडिया को किस तरह देखते हैं? एज अ थ्रेट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए खतरा, खतरे की तरह देखते हैं। ठीक है, सोसाइटी के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम सोशल मीडिया के बारे में देखते हैं। देन स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया रेफर्स टू वेब
based communication tools or application that allow the user to share ideas, thoughts, information and almost anything under the sun with the other. ठीक है, तो सोशल मीडिया एक तरह का क्या है, वेब बेस्ड कनेक्शन है जो कि जो यूज़र है उसको यूज़ करने वाले उसको हेल्प करता है, ठीक है, सॉरी उन्हें अलाउ करता है तो शेयर एनीथिंग विच दे वॉन्ट टू शेयर, लाइक आइडियाज, थॉट, इन्फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट एनीथिंग अंडर द सन. ठीक है, तो जो भी शेयर, जो यूज़र है वो कुछ भी शेयर करना चाहता है वो शेयर कर सकता है. ठीक है, बाय थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू वो शेयर कर सकता है, जैसे कि आइडिया, थॉट्स, अपने थॉट्स को शेयर कर सकता है, इन्फॉर्मेशन जो उसके पास है, या फिर ऑलमोस्ट एनीथिंग कुछ भी शेयर कर सकता है. ठीक है, एक दूसरे के साथ. द नेक्स्ट पॉइंट, दे यूज सोशल मीडिया फॉर कनेक्टिंग विद पीपल, create communities, marketing, political campaigns, education, shopping and a lots of things. ठीक है, तो जो यूज़र्स हैं वो किस तरह यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, फॉर कनेक्टिंग पीपल्स, लोगों के साथ जुड़ने के लिए, क्रिएट कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ बनाने के लिए अपनी अपनी, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई तरह की कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है, पढ़ने वालों की कम्युनिटी है, जोक्स की कम्युनिटी है, मीमर्स की कम्युनिटी है, ये सब कम्युनिटीज़ बना लेते हैं लोग. ठीक है, देन मार्केटिंग तो आप जानते ही होंगे कि ऑनलाइन कुछ भी सेल करना मार्केटिंग कहलाता है. पॉलिटिकल कैंपेन्स, कोई भी कैंपेन, जैसे कि लास्ट टाइम, चलिए छोड़िए वर्तमान का वो लेते हैं, कि इस समय मोस्ट ऑफ द पीपल चाहते हैं कि इंडिया में टिकटॉक बैन कर दिया जाए. ठीक है, इससे पहले, इस वाक्या से पहले गवर्नमेंट चाहती थी कि टिकटॉक बैन कर दिया जाए. ठीक है, क्योंकि उस समय लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे टिकटॉक पे, तो ये एक पॉलिटिकल कैंपेन हो सकता है. ठीक है, और पॉलिटिकल कैंपेन है जो कि लोग अपना ऑनलाइन करते हैं. ठीक है, तो इस समय भी यही चल रहा है, आप देखोगे ट्विटर पे तो पॉलिटिकल कैंपेन ही चल रहा है कि टिकटॉक बैन किया जाए, या फिर जो कोरोना के केसेस चल रहे हैं ये सब पॉलिटिकल कैंपेन ऑनलाइन की जा सकती है. ठीक है, देन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन दी जा सकती है, शॉपिंग, कुछ ख़रीदा बेचा जा सकता है ऑनलाइन, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वांट टू शेयर. ठीक है, तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर यूज़ की जाती हैं. आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट पॉइंट है, सोशल मीडिया इज़ impacting people on a huge level. ठीक है, तो जो सोशल मीडिया है वो लोगों को इफेक्ट कर रहा है बहुत बड़े लेवल पे. मोस्ट ऑफ अस आर कनेक्टेड विद द फेसबुक, व्हाट्सएप एंड अदर सच ऑफ साइड ऑफ सोशल मीडिया. ठीक है, तो हम में से क्या, हम सभी लोग सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, जैसे कि व्हाट्सएप सोशल मीडिया है, फेसबुक सोशल मीडिया, ट्विटर सोशल मीडिया, एनीथिंग विच वी यूज़ ऑन इंटरनेट दैट इज सोशल मीडिया. ठीक है, जहाँ पर हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया कहलाता है. ठीक है, तो सोशल मीडिया से कनेक्ट है. People and children are spending their lots of time on these sites. ठीक है, तो people और जो लोग जो और बच्चे जो कि हैं वो अपना बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर स्पेंड कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि अननेसेसरी हैं, तो people वो उन्हें अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं. ठीक, द नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स अ बेस्ट वे टू कनेक्ट विद योर फ्रेंड, फैमिली एंड अदर्स. ठीक है, तो सोशल मीडिया सबसे अच्छा रास्ता है दोस्तों के साथ कनेक्ट होने के लिए, फैमिली और अन्य लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए सोशल मीडिया से बेस्ट वे. इट्स अ फास्टर वे टू शेयर एनीथिंग विद अदर्स. ठीक है, तो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा तेज शेयर करने का एक रास्ता है. ठीक है, जहाँ पर हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं बड़ी तेज़ी से. ठीक है, अगर आपको कोई मैसेज भेजना है तो आप इसे टाइप करें और सेंड कर दें, तो वो मैसेज जल्दी से वहाँ पहुँच जाएगा अपने रिसीवर के पास. पर अगर वहीं आप लेटर लिखते हैं तो ठीक है, तो लेटर आप लिखेंगे, उसके बाद लेटर पोस्ट करेंगे, लेटर पोस्ट करके उसे पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा. तो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा फास्ट वे है टू शेयर एनीथिंग. देन डिसएडवांटेज, इट्स मेक अस लेजी एंड मेक अस कंज्यूमर्स ऑफ कंटेंट. ठीक है, तो ये हमें लेजी बनाता है सोशल मीडिया. देन मेक अस कंज्यूमर्स, हमें कंज्यूमर बना रहा है. ठीक है, ग्राहक बना रहा है ऑफ अ कंटेंट प्रिपेयर्ड बाय अदर्स. ठीक है, तो ये हमें ग्राहक बना रहा है उस चीज़ का जो कि किसी और के द्वारा बनाई गई है. ठीक है, या फिर किसी और के द्वारा प्रिपेयर्ड की गई है. वी कैन से दैट इट मेक्स अस पैसिव कंज्यूमर्स. ठीक है, ये हमें पैसिव कंज्यूमर्स बना रहा है, क्योंकि हम जब भी कुछ इंटरनेट से देखते हैं तो वो किसी और के द्वारा बनाया गया. सपोज़ करिए आपको कोई आर्टिकल लिखना है. ठीक है, स्कूल की तरफ से एक प्रोजेक्ट है सपोज़ करिए, और अब आप आए और आपने इंटरनेट पर सर्च किया और वो आर्टिकल नोट डाउन कर लिया. ठीक है, तो वो आपके द्वारा नहीं लिखा गया, उसमें आपके आइडियाज़ नहीं हैं. तो ये मेन पॉइंट है कि ये हमें कंज्यूमर्स बना रहे हैं. ठीक है, पैसिव कंज्यूमर्स मतलब किसी और के द्वारा बनाई गई चीज़ों का यूज़ करने वाले कंज्यूमर्स बना रहे हैं. ठीक है, सोशल मीडिया हमें बना रहे हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट है,
इज सोशल मीडिया इज रूलिंग ऑन अस बिकॉज वी आर वेस्टिंग आर अलॉट्स ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो सोशल मीडिया हमें क्या कर रहा है, हम पर रूल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारा अपना टाइम सोशल मीडिया पे ही स्पेंड करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वेस्ट करते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो कि अपना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट नहीं करते। ठीक है, वो कुछ जानने वाली चीज़ों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया का यूज़ अपना टाइम वेस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, टाइम स्पेंड करने के लिए करते हैं। तो सोशल मीडिया हमें, हम पे क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। ठीक है, रूल करने से आप समझ जाएँ कि बहुत सारे लोग वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ ही लोग उनमें हैं जिन्होंने सोशल मीडिया बनाया। ठीक है, सोशल मीडिया, जिन लोगों ने सोशल मीडिया डेवलप करा, और वही लोग हम पे रूल कर रहे हैं, पर वो लोग हमें अपना आदी बना रहे हैं कि हम लोग उनकी चीज़ें यूज़ करें। ठीक है, तो ये हम पे रूल कर रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपर्ट्स आर मेकिंग मनी बाय दिस। ठीक है, तो सोशल मीडिया एंड एक्सपर्ट्स आर मेकिंग मनी बाय दिस, और जिन लोगों ने सोशल मीडिया बनाया वो लोग हमारे यूज़ करते हैं, तो वो लोग उससे मनी कमाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया का। एक्वायरिंग नॉलेज इज़ एन एक्टिव एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो एक्वायरिंग नॉलेज जो है वो दो तरह की होती है, एक्टिव और इंटरेक्टिव प्रोसेस में होती है। ठीक है, नॉलेज इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट सीकिंग एंड क्वेश्चनिंग। ठीक है, नॉलेज किस तरह प्रोड्यूस होती है, ये क्वेश्चन भी आपके बुक में। तो नॉलेज किस तरह प्रोड्यूस होती है, थ्रू द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है ऑफ कॉन्स्टेंट सीकिंग, किसी चीज़ को लगातार देखना या फिर उसे समझना। देन आस्किंग क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो नॉलेज के सिर्फ प्रोड्यूस होती है कंटिन्यूसली, किसी चीज़ को देखते रहना, समझते रहना, देन उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना, तो इससे नॉलेज प्रोड्यूस होती है। सोशल मीडिया डज नॉट इनकरेज इंटरोगेशन। ठीक है, तो सोशल मीडिया है वो कभी भी इंटरोगेशन का मतलब क्वेश्चन पूछना, ठीक है, उसके बारे में जानकारी लेने को इनकरेज नहीं करता। सोशल मीडिया नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में ज़्यादा जाने। ठीक है, बस जैसे लोग उसे यूज़ कर रहे हैं वैसे करते रहे। इट बिकम्स अ थ्रेट टू नॉलेज। ठीक है, ये एक नॉलेज के लिए, जो नॉलेज है उसके लिए खतरा बन चुका है सोशल मीडिया। हाउ डिड इंसाइक्लोपीडिया कम अबाउट। ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया है वो किस तरह कम अबाउट आया, वो उसके बारे में। द क्राइसिस इन विकीपीडिया। विकीपीडिया में जो शार्प टाइप का है वो क्या है। होसिन रेक्शन बिगिंस द एसे बाय पॉइंटिंग आउट ही इन पैराग्राफ 1 और 2 अ क्राइसिस द ओपन रिसोर्स पेज विकीपीडिया। ठीक है, तो जो राइटर है होसिन रेक्शन, ठीक है, वो अपना क्या एसे स्टार्ट करते हैं पॉइंटिंग, एक पैराग्राफ है उनके पैराग्राफ 1 और 2, उसमें वो विकीपीडिया के जो रिसोर्सेज हैं, ओपन पेज वेब रिसोर्सेज, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ द थ्रेट्स टू दिस वैल्यू वर कमिंग फ्रॉम सर्कुलेशन कैंटरी आइडिया एंड वैल्यूज। ठीक है, तो जो थ्रेट्स हैं, मतलब एक तरह के जो खतरे बाहर आ रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ कैसे आ रहे हैं, सर्कुलेशन बढ़ जाने से ऑफ कैंटरी आइडियाज़ एंड वैल्यूज़। वैल्यूज़ के बढ़ जाने से, आइडियाज़ के बढ़ जाने से खतरे बाहर आ रहे हैं, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल एंड इरिटेशनल कंटेंट इन सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये खतरे कैसे बाहर आ रहे हैं, ज़्यादातर जो खतरे हैं वो इमोशनली हैं, इरिटेशनल हैं। ठीक है, और कहाँ से बाहर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा, कंटेंट सोशल मीडिया के कंटेंट से बाहर आ रहे हैं ये खतरे। तो ये सब कंटेंट सोशल मीडिया से आ रहे हैं, इरेशनल टाइप के कंटेंट जिनका कोई तर्क नहीं होता, मतलब कि ऐसे कंटेंट जिनका कोई मतलब नहीं होता, वो ऐसे ही होते हैं फिजूल कंटेंट सोशल मीडिया से आ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अलॉट्स ऑफ अननेसेसरी एंड फेक न्यूज़ आर और इन्फॉर्मेशन इज़ स्प्रेडिंग ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है उस पर अननेसेसरी, अनावश्यक चीज़ें, फेक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, ठीक है, ऑन सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया बेस्ट वे है, सबसे अच्छा वे है किसी चीज़ को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, अगर आपने कोई फेक न्यूज़ वहाँ पर फैलाई है तो वो इतनी आपकी तरह वहाँ पर फैल जाएगी। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाने का मतलब है। मोस्ट ऑफ अस मस्ट बी फेमिलियर विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ फेक न्यूज़ एंड फेक वीडियोस एंड इमेजेस बीइंग सर्कुलेटेड इन फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप इन नाउ इन इंडिया नाउ। ठीक है, तो जो हम लोग हैं, बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो फेमिलियर हैं इन चीज़ों से कि ह्यूज अमाउंट में, बहुत बड़ी अमाउंट में फेक न्यूज़, फेक वीडियोस, इमेजेस, ठीक है, फेक कंटेंट स्प्रेड होता है। कहाँ पे बीइंग सर्कुलेटेड, शुरू होता है सर्कुलेट होना फेसबुक और व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे कैसे होता है, ग्रुप में होता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा, गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, वो
लोगों से कहती है कि किसी भी ऐसे न्यूज़ को स्प्रेड ना किया जाए, ठीक है। और अगर आपको कोई न्यूज़ आती है तो आप इसके लिए अप्लाई करें या फिर शिकायत करें। तो यही है कि गवर्नमेंट जानती है कि ज़्यादातर न्यूज़ें फेक होती हैं और वो सोशल मीडिया पे स्प्रेड होने का सबसे अच्छा वे है, इसीलिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, द लिबरल्स इन्वेस्ट अलॉट्स ऑफ मनी इनटू विकिपीडिया फॉर होपिंग दैट ओपन रिसोर्स वेब पेज वुड हेल्प देम इन प्रोड्यूसिंग ऑथेंटिक एंड रेशनल कंटेंट, ठीक है। तो जो बहुत सारे लिबरल्स हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो कि उदारवादी लोग जो हैं लिबरल्स, अपना कहाँ मनी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं विकिपीडिया पर, और किस सोच में कि होपिंग दैट द ओपन रिसोर्स वेब पेज, ठीक है, जो ओपन रिसोर्स वेब पेज है वो उनकी हेल्प करेगा किस लिए, प्रोड्यूसिंग ऑथेंटिक एंड रेशनल कंटेंट, रेशनल कंटेंट और के लिए और ऑथेंटिक कंटेंट के लिए उनकी हेल्प करेगा, ठीक है। इसीलिए वो बहुत सारा पैसा अपना वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रॉब्लम इज नॉट अ लैक ऑफ मनी बट लैक ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड फॉर विकिपीडिया, ठीक है। तो वो लोग अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारा, ठीक है, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि उन्हें ऐसे कंटेंट मिलेगा जो कि तर्कसंगत होगा, ठीक है, असली होगा, नकली नहीं होगा, मतलब फेक नहीं होगा, रियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैसों की कमी नहीं है, देर इज़ नो लैक ऑफ मनी, वहाँ पे पैसों की कमी नहीं है, वहाँ पे किसकी कमी है, द लैक ऑफ प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन, सॉरी प्रिपरेशन की, ठीक है। तो लैक ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन की कमी है वहाँ पे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसमें कुछ नहीं करते, वो कंटेंट को घुमा घुमा के बस अपने शब्दों में लिखते हैं और वही पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये लैक ऑफ प्रिपरेशन ये है, जहाँ पे हमें नॉलेज है ही नहीं, लोग अगर जाने कुछ और जानने के बाद उसे अप्लाई करें विकिपीडिया पे, ठीक है, तो विकिपीडिया पे लिख के अप्लाई करेंगे तो उनका कंटेंट काफ़ी बढ़िया वो रहेगा, पर लोग क्या करते हैं, आजकल कोई चाहता ही नहीं है कुछ नया जानना, तो यही पॉइंट है, ठीक है। क्रिएटर्स कैरेक्टर्स ऑफ विकिपीडिया हैज़ टेकन अ टर्न टूवर्ड्स द वर्स इन अब्सेंस ऑफ क्रिएटर एंड एडिटर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट का मतलब है कि जो क्रिएटर्स हैं विकिपीडिया के, वो उस विकिपीडिया का कहाँ लेके जा रहे हैं, टूवर्ड्स अ वर्स मतलब खतरे में लेके जा रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं, खतरे में लेके जा रहे हैं, इन अब्सेंस ऑफ क्रिएटर एंड एडिटर्स, क्रिएटर्स जो है और उनके एडिटर्स जो हैं उनके अनुपस्थिति में, अब्सेंस में, वो विकिपीडिया को एक गलत राह पे लेके जा रहा है, ठीक है, ऑन अ रॉन्ग वे, तो यही कारण है। दैट इंसाइक्लोपीडिया आता है, इंसाइक्लोपीडियाज दैट कम बिफोर विकिपीडिया, द आइडिया वॉज टू क्रिएट वन कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स फॉर ऑल ह्यूमन नॉलेज दैट कुड बी असिस्टेड बाय एनीवन इन अ इंटरसेप्टिक ऑफ टाइम और प्लेस, ठीक है। तो इंसाइक्लोपीडिया कब आया, इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया से पहले आया था, ठीक है। तो किसी व्यक्ति ने एक आइडिया दिया कि हमें क्या करना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ ऑल ह्यूमन नॉलेज, एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स बनाना चाहिए जिसमें ह्यूमन की जो जितनी भी नॉलेज है उन सबको रखा जा सके, ठीक है, और उसे असिस्ट बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा असिस्ट किया जा सकता है, मतलब देखा जा सकता है एनी टाइम ऑफ टाइम और प्लेस, ठीक है, कभी भी देखा जा सकता है, किसी भी जगह पे देखा जा सकता है, इस तरह की एक बुक या फिर किसी इस तरह का एक चीज़ बनाई जाए जिसमें ह्यूमन की सारी नॉलेज हो। देन हुसैन लिस्टेड टू इंसाइक्लोपीडियाज दैट वर कंप्लीटेड इन द 9th एंड 10th सेंचुरी, ठीक है। तो जो राइटर है उन्होंने दो तरह के इंसाइक्लोपीडिया को डिस्कस किया है, तो फर्स्ट वन वॉज कम्प्लीटेड बाय अ स्कॉलर नेम्ड कुतायबा, इट हैड 10 बुक्स ऑन सब्जेक्ट एज अ डिजर्व एज वॉर टू फूड एंड वूमेन, ठीक है। तो जो फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया है, मतलब फर्स्ट बुक है टू इंसाइक्लोपीडियाज में से, फर्स्ट बुक है, तो इंसाइक्लोपीडिया की जो फर्स्ट बुक है वो किसी स्कॉलर नेम्ड कुतायबा के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। उस बुक में उसकी 10 बुक्स हैं एक सब्जेक्ट की, ठीक है, और उसमें किसके ऊपर डिस्कस किया गया, वॉर टू फूड एंड वुमेन, ठीक है, उसमें वॉर के ऊपर डिस्कस किया गया किस किस चीज़ के लिए, फूड मतलब खाने के लिए, और वुमेन के लिए वॉर के ऊपर डिस्कस किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड बुक कौन सी है। देन सेकंड वन वॉज कम्प्लीटेड बाय अल ख्वारज़्मी, ठीक है, अल ख्वारज़्मी के द्वारा सेकंड बुक कंप्लीट की गई। ही ऑल्सो पॉइंट आउट दैट
चाइनीज ऑलरेडी हैड देयर इंसाइक्लोपीडिया बाय द 7th century, ठीक है। तो उन्होंने ये भी डिस्कस बताया था कि इंसाइक्लोपीडिया मतलब चाइना के पास अपनी इंसाइक्लोपीडिया है कब से, 7th century से, 7वीं सदी से उनके पास अपनी इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया बिगिन टू बी द कम्प्लीटेड ऑल ओवर यूरोप एंड द फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया वॉज पब्लिश इन 1751, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया बनना शुरू हुई थी उसके बाद उसने पूरे यूरोप में कंप्लीट की गई इंसाइक्लोपीडिया। और पहले इंसाइक्लोपीडिया कब पब्लिश हुई, 1751, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया कब पब्लिश की गई थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 1751। मैनी फिलोसफर्स पुट देयर एफर्ट इन एडिटिंग एंड कंप्लीटिंग द वर्क एंड सम ऑफ देम इवन एंडेड अप इन द प्रिजन, ठीक है। तो बहुत सारे फिलोसोफर जो हैं उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया को एडिट ऐड करने में और उसे कंप्लीट करने में योगदान दिया अपना, ठीक है। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने इसे प्रिजन मतलब जेल में कंप्लीट किया था। द इम्पैक्ट ऑफ दीज इंसाइक्लोपीडियाज कैन बी इमेजिन्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपन ओनली 17 ईयर आफ्टर द पब्लिशिंग ऑफ द लास्ट वॉल्यूम इन 1772, ठीक है। तो इंसाइक्लोपीडिया का जो है वो हम देख इंसाइक्लोपीडिया का जो इफेक्ट है या फिर इम्पैक्ट है वो हम देख सकते हैं, कब देख सकते हैं कि जब फ्रेंच में फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच में रेवोल्यूशन क्रांति शुरू हुई थी, कब, सिर्फ हैपन ओनली 70 ईयर्स आफ्टर, 17 साल के बाद, सिर्फ 17 साल के बाद जो इंसाइक्लोपीडिया की जब लास्ट वॉल्यूम का वो की गई थी डिस्कवर और लास्ट वॉल्यूम को पब्लिश किया गया था 1772 में, ठीक है। जब उसको लास्ट वॉल्यूम को पब्लिश किया गया था उसके 17 साल बाद ही फ्रेंच में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। देन नॉलेज बाय दिस वेरी बाय नॉलेज बाय इट्स वेरी नेचर इज एम्पावरिंग द सीट्स पीपल फ्री एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जो नॉलेज है वो उसका एक नेचर है कि वो अपने पीपल को जो बचाती रहती है ऑन एनी कॉस्ट, ठीक है। जो नॉलेज है वो पीपल को बचाने की कोशिश करती रहती है ऑन एनी कॉस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज खुद ही निकल के आएगी, मतलब जो लोग हैं जिनके पास नॉलेज है वो पीपल लोगों को बचाने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, एट एनी कॉस्ट, वो किसी भी कॉस्ट पर लोगों को पीपलों को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एडवेंट ऑफ टेलीविज़न फ्रॉम रेशनैलिटी टू इमोशन, ठीक है। एडवेंट का मतलब आवाहन, ठीक है। टेलीविज़न का जब आवाहन हुआ था रेशनैलिटी टू इमोशंस, ठीक है, तर्कसंगत से भावनात्मक तक। इन दिस पैराग्राफ हुसैन मेक्स टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में जो हुसैन है उन्होंने दो मेन पॉइंट को डिस्कस किया है। फर्स्ट पॉइंट है टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन द कमिंग ऑफ टेलीविजन इट हैड चेंज आवर कल्चर, बिफोर द टेलीविजन वी इंटरटेन आवर सेल्फ बाय टाइपोग्राफिक कल्चर, ठीक है। तो जो टेलीविजन है उसके आने से क्या हुआ, हमारा कल्चर चेंज हो गया, हमारे कल्चर में बदलाव आया। इससे पहले पहले हम क्या करते थे, टेलीविज़न नहीं हुआ करता था तो हम लोग अपने आप को इंटरटेन आवर सेल्फ बाय द टाइपोग्राफिक कल्चर, ठीक है, टाइपोग्राफिक कल्चर के द्वारा हम अपने आप को इंटरटेन करते थे। बट आफ्टर कमिंग ऑफ टेलीविज़न इट चेंज इनटू अ फोटोग्राफिक, ठीक है। तो टेलीविज़न के आने के बाद क्या हुआ, ये सब चेंज हो गया और ये सब फोटोग्राफिक हो गया। अब लोग, पहले हम पढ़ पढ़ के अपना टाइम पास करा करते थे, परंतु अब हम अपना टाइम देख के, फिल्मों को देख के, चित्रों को देख के टाइम पास करते हैं, ठीक है। तो ये फोटोग्राफिक टाइप का है। टेलीविज़न हैज़ चेंज आवर एक्सपीरियंस बाय शोइंग एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न लाइफ सेंसेशनल एंड कमर्शियल एस्पेक्ट, ठीक है। तो टेलीविज़न ने क्या करा, टेलीविज़न ने हमारा एक्सपीरियंस चेंज अनुभव को चेंज कर दिया, शोइंग एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो मॉडर्न लाइफ है उसके एस्पेक्ट को दिखा के हमारा एक्सपीरियंस चेंज कर दिया सेंसेशनल एंड कमर्शियल में, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम टाइपोग्राफिक टू फोटोग्राफिक, हम किस तरह टाइपोग्राफिक से फोटोग्राफिक तक आए या फिर शिफ्ट हुए। द थ्रेट और टू नॉलेज फर्स्ट कम फ्रॉम टेलीविज़न, ठीक है। तो जो नॉलेज के लिए जो खतरा था वो टेलीविज़न से सबसे पहले आया। ही सिटीज नील पोस्टमैन बुक अज्यूमिंग आवर सेल्फ टू डेथ प्रूव हीज पॉइंट, ठीक है। तो एक राइटर हुए हैं नील पोस्टमैन, उन्होंने उनकी एक बुक में इस पॉइंट को
प्रूव कर दिया गया था। ठीक है, तो देखते हैं क्या बुक है। पोस्टमैन पॉइंट आउट दैट रेशनैलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस मूव टूवर्ड्स इमोशन एंड एंटरटेनमेंट। तो जो पोस्टमैन की जो बुक आई थी, ठीक है, उस बुक में क्या पोस्टमैन कहेगा, पोस्टमैन पॉइंट आउट दैट रेशनैलिटी एंड एक्सपेक्टेशन मूव टूवर्ड्स इमोशन एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो पोस्टमैन ने ये पॉइंट आउट किया था कि रेशनैलिटी और एक्सपेक्टेशन मतलब तर्कसंगत है, वो किस तरह मूव हो रही है, इमोशन की तरफ और एंटरटेनमेंट की तरफ मूव हो रही है। ठीक है, लोग तर्क वाली बातों को पे ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने इमोशंस और एंटरटेनमेंट को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। टेलीविज़न इज अ प्राइमरीली विजुअल मीडियम, रिड्यूस दिस डिस्टेंस एंड थिंग्स हैपनिंग एट फार अवे प्लेस क्लोजर। ठीक है, तो टेलीविज़न जो है वो पहला ऐसा मीडियम था जहाँ पे हम कुछ देख सकते थे। ठीक है, तो उसने क्या करा, टेलीविज़न ने रिड्यूस द डिस्टेंस, डिस्टेंस को कम कर दिया एंड थिंग्स हैपन एट फार अवे। ठीक है, तो जो थिंग जो चीज़ें हमसे बहुत दूर हुआ करती थी या फिर बहुत दूर हैपन हुआ करती थी, वो कहाँ आ गई, प्लेस क्लोजर, वो हमारे बहुत करीब आ गई। आवर फर्स्ट रिस्पॉन्स टू अ विजुअल इज मोर इमोशनल देन रेशनल। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है विजुअल चीज़ों को, मतलब देख के चीज़ों को, वो ज़्यादातर इमोशनल होता है, कि इमोशनल होता है। ठीक है, किससे, रेशनल से ज़्यादा, तर्कसंगत से ज़्यादा। सपोज, तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल कि सपोज़ करिए एक एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, एक एक्सीडेंट आपके बिल्कुल जस्ट सामने हुआ। ठीक है, तो उस समय तो आपका इमोशनल होना जायज़ हो सकता है। ठीक है, उस समय कह सकते हैं कि आप इमोशनल हो जाओ, पर सपोज़ करिए एक एक्सीडेंट आपसे बहुत दूर हुआ। ठीक है, और वो एक्सीडेंट आपको पता ही नहीं, या फिर आपको पता चला तो आपको इतना ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ा, पर अगर वही एक्सीडेंट आपके बिल्कुल सामने हो तो आप इमोशनल हो जाओगे। तो यही कारण है कि टीवी ने जो चीज़ें बहुत दूर हुआ करती थी उन्हें भी हमारे आंखों के सामने ला दिया, तो जिससे कि हमारे जो रेशनल है हम उसके पीछे के तर्क को निकालने की बजाय सीधा इमोशन। देन नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न लाइफ एज सेंसेशनल एंड कमर्शियल। ठीक है, मॉडर्न लाइफ हमारी सेंसेशनल किस तरह, कमर्शियल किस तरह। आफ्टर कमिंग अ टेलीविज़न सम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चेंजेस हैपन इन द वे वी अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आफ्टर टेलीविज़न के आने के बाद बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस हुए थे। ठीक है, और हमने वी अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट, हम समझ गए, हम जो मानव है वो समझ गया और इंटरेक्ट होने लगा, मतलब लोगों से प्रभावित होने लगा विद द वर्ल्ड अराउंड अस, जो उस दुनिया से जो कि हमारे आसपास है। ठीक है, टीवी के आने के बाद हम आसपास की दुनिया को जानने लगे और उससे इंटरेक्ट होगा। टेलीविज़न हेल्प्स अस टू मैनेज एंड प्रेजेंट इवेंट्स, प्रोडक्ट, पॉलिटिक्स एंड अदर थिंग्स इन अ वे टू लुक अट्रैक्टिव एंड डिजरेबल। ठीक है, टेलीविज़न ने क्या करा, टेलीविज़न ने हेल्प करी टू मैनेज प्रेजेंट इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए हमारी हेल्प करी, प्रोडक्ट जो है उन्हें पॉलिटिक्स को प्रेजेंट करने में हेल्प करी एंड अदर थिंग्स इन अ वे टू लुक अट्रैक्टिव एंड डिजरेबल। ठीक है, तो टेलीविज़न ने क्या करा कि बहुत सारी चीज़ें जो लोग ऐसे देखकर ज़्यादा पसंद नहीं करते थे उन चीज़ों को टीवी पे दिखा दिखा के, अट्रैक्टिव दिखा दिखा के लोगों को उसे पसंद में लाया गया। ठीक है, सपोज़ करिए कि कोई ऐड, आप पहले मार्केट में जाया करते थे तो आपको कुछ चीज़ पसंद आ गई, आपको कोई खाने की चीज़ लेनी है। ठीक है, तो वो आपने देखी, प्रोडक्ट देखा और आप आ गए लेके, पर अब जब वो टीवी पे आती है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो यही कारण है कि टीवी वाले, मतलब जो टीवी शो हैं, टेलीविज़न वाले हैं, वो लोग उस चीज़ को इतना ज़्यादा अच्छी तरह दिखाते हैं या फिर प्रेजेंट करते हैं कि लोग उसे लेने के लिए उत्साहित हो ही जाते हैं। देन सेकंड पॉइंट, इमेज प्रेजेंटेशन लुक्स मोर अट्रैक्टिव देन रिटन। ठीक है, जो इमेज प्रेजेंटेशन है, फ़ोटो को दिखा के जो प्रेजेंट किया जाता है वो ज़्यादातर अट्रैक्टिव होता है रिटन से ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो सपोज़ करिए आपके सामने दो चीज़ें रखी हैं, एक तरफ इमेज रखी है किसी चीज़ की और एक तरफ रिटर्न रखा है, तो आप सबसे पहले किसे उठाएंगे, सबसे पहले आप इमेज को उठाएंगे। सबसे पहले क्यों, क्योंकि इमेज को देख के आप समझ जाएंगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देन इमेज को देख के आपको पता भी चल जाएगा कि वो चीज़ किस तरह की दिखती है। तो इसीलिए इमेज ज़्यादातर प्रेजेंटेशन में यूज़ की जाती है। अनदर फैक्टर वॉज कॉमर्स। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या था, कॉमर्स था। इन टेलीविज़न द कमर्शियल फैक्टर वॉज पैरामाउंट बिकॉज इट वॉज एन एक्सपेंसिव। ठीक है, तो कमर्शियल फैक्टर, टेलीविज़न पर जो कमर्शियल फैक्टर है वो पैरामाउंट है, मतलब चीज़ों की बिक्री करना या ऑनलाइन सेल करना, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगा भी है। ठीक है, चीज़ों को ऑनलाइन, चीज़ों को टीवी पे दिखाना, उसके बाद उन्हें सेल करना काफ़ी महंगा पड़ता है लोगों को, तो देन यही कारण है।
एज यू नो दैट सेंसेशनल सेल्स द बेस्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि सेंसेशनल मतलब किसी चीज़ को कैसे बना देना, संदेहजनक बना देना या फिर संगेज बना देना, सेंसेशनल बना देना, किसी चीज़ को सनसनीखेज दिखाकर बेचना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो सो टेलीविजन प्रेजेंट सेंसेशनल इमेजेस दैट वुड प्राइमरी एंटरटेन, ठीक है। तो टेलीविज़न क्या करता है, सबसे पहले चीज़ों को सनसनीखेज बना के दिखाता है, ठीक है। उसके बाद तो वो हमारा क्या करते हैं, वो हमारा एंटरटेन भी करते हैं, प्राइमरी एंटरटेन, सबसे पहले वो हमें एंटरटेन करते हैं, देन मेक अस एबल टू डू और परचेज, इट मेक्स अस पैसिव कंज्यूमर्स, ठीक है। तो वो हमें पहले एंटरटेन करते हैं, देन हमें एबल करते हैं या फिर हमें उत्साहित करते हैं वो चीज़ खरीदने के लिए, तो जैसे हम पैसिव कंज्यूमर्स बन जाते हैं। इट डिस्करेज एक्टिव रेशनल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग, ठीक है। तो ये डिस्करेज करता है एक्टिव रेशनल को, ठीक है, तर्कसंगत को, एंड देन थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग, सोचे उस चीज़ को सोचने के लिए और उस चीज़ पर क्वेश्चन पूछने के लिए हमें डिस्करेज करता है, ठीक है। तो यही कारण है कि टेलीविज़न किस तरह हमारे आजकल के वर्ल्ड को चेंज करता जा रहा है। तो ये आपका चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के नोट्स भी तैयार हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दे रखी है, आप मेरे को मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।